राधे राधे मित्रों, सुबह की सीताराम। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। लेकिन उसे जानने से पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, तिथि त्रयोदशी है, जो कि 5:56 सुबह समाप्त होकर उसके उपरांत चतुर्दशी लग जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा है, करण वाणिज्य है, जो कि 5:56 तक है और उसके बाद में विष्टिकरण लग जाएगा। कृष्ण पक्ष है, योग गंड है, जो कि 7 बजे तक है, अगले दिन वृद्धि योग लग जाएगा। चंद्र राशि वृषभ है और वर्षा ऋतु है। 1946 क्रोधी नामक संवत्सर है, 2081 विक्रम संवत्सर है और आषाढ़ मास है। आज का दिशा शूल दक्षिण रहेगा। चलिए जानते हैं आज की राशियां कैसा रहेगा आज का दिन। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हम मेष राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आवश्यक कार्य में आप तेजी दिखाएंगे। आज आपकी साख व सम्मान बना रहेगा। आज साझेदारी में काम करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आप अपने कामों में गंभीरता दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी काम को समय से पूरा करके देंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है, भाग्यशाली संख्या आपकी 9 है और भाग्यशाली रंग आपका लाल रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा, लेकिन आपको कुछ ठग लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करें। यदि आपके कामकाज में कुछ अड़चनें आ रही थी तो वह आज दूर होगी। आप मेहनत और लगन से आप काफी कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपका कोई पुराना काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो उसे पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। माताजी से आप अपने मन की किसी बात को साझा कर सकते हैं। आज भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर रहेगी। भाग्यशाली संख्या आपकी 5 है। भाग्यशाली रंग आपका पीला रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा और आपकी आय में वृद्धि होने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्य से आप जुड़ेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों के बातों पर पूरा ध्यान देना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आपको मित्रों का पूरा साथ मिलेगा और राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की छवि आज और निखर कर आएगी। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और आपको आवश्यक कार्यों में शीघ्रता दिखानी होगी। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व रहेगी। भाग्यशाली संख्या आपकी 4 है और भाग्यशाली रंग आपका भूरा है। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी कानूनी मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। यदि आपको कोई सूचना सुनने को मिले तो उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। रचनात्मक विषयों पर आपका फोकस रहेगा और आपको कोई उपलब्धि मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। यदि आपने करियर को लेकर कोई निर्णय लेना पड़े तो अपने माता पिता से पूछ कर लें। परिवार में किसी बात को लेकर सदस्यों में आपसी तनाव पनप सकता है। भौतिक वस्तुओं पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप अपने परिजनों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण पूर्व रहेगी। भाग्यशाली संख्या आपकी 6 है और भाग्यशाली रंग आपका हल्का हरा रंग रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ने से बचना होगा। आज आपके किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की संभावना बनती दिख रही है। आपको यदि किसी काम को लेकर कोई निर्णय लेना पड़े तो उसमें जल्दबाजी न दिखाएं और कार्य क्षेत्र में दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और आपको कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से प्रसन्न रहेंगे। यदि आप किसी से धन उधार लेना चाहते हैं तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व रहेगी। भाग्यशाली संख्या आपकी 9 है। भाग्यशाली रंग आपका भूरा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए समस्याएं लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों पर भरोसा बनाए रखें। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिलेगी।
आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को किसी बात को लेकर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप आज परिवार के सदस्यों के सामने अपनी बात रखने में कामयाब रहेंगे। पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों की पदवा प्रतिष्ठा बढ़ने से आपको खुशी होगी। आपकी भाग्यशाली दिशा पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या आपकी 7 है और भाग्यशाली रंग आपका हल्का लाल रंग है। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपके व्यक्तित्व में सरलता रहेगी और संस्कारों व परंपराओं पर आप पूरा जोर देंगे। सभी मामलों में आज आपको तेजी बनाए रखनी होगी। आपके व्यवहार को लेकर लोग भी आपसे खुश रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति को आज बल मिलेगा और आप अपने खर्चों को देखते हुए एक बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत होगी और आप जीवन साथी की कोई सरप्राइज दे सकते हैं। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर पूर्व रहेगी। भाग्यशाली संख्या आपकी 6 है। भाग्यशाली रंग आपका नीला है। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक से कोई निर्णय लेने के लिए रहेगा। सूझबूझ दिखाकर आप अपने कामों में आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी काम में उसके नीति व नियम का पूरा पालन करें। वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर बहसबाजी में ना पड़ें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी सरकारी काम में आप अनुशासन बनाए रखें और आपके बढ़ते खर्च आपको समस्या दे सकते हैं। जो लोग विदेश की जाने की योजना बना रहे थे तो उन्हें कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। आपकी किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। भाग्यशाली संख्या आपका 3 है और भाग्यशाली रंग आपका नारंगी है। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। आज के दिन आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए जो प्रयास करेंगे उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और धन धान्य में आज वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र के कामों के लिए आज आपको समय निकालना होगा, तभी वह पूरे हो सकते हैं। आपको कोई उपलब्धि मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है जिसके बाद आपके घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। भाग्यशाली दिशा आपकी पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या आपकी 7 है और भाग्यशाली रंग आपका नीला है। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। आज का दिन आपकी साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आप अपनी आवश्यकताओं की कुछ वस्तुओं के खरीदारी का भी योजना बना सकते हैं और कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको कार्य क्षेत्र में अपने जूनियर से काम निकलवाने के लिए आज एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, तभी आपका कोई काम समय से पूरा होता दिख रहा है। घर और बाहर आपको सभी का सहयोग मिलेगा। माताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या आपकी 9 है। भाग्यशाली रंग आपका लाल है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक सूचना सुनने को मिलती रहेगी। धार्मिक आयोजनों में भी आप अपना पूरा सहयोग देंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप किसी शारीरिक समस्याओं को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह दूर होगी और आपका कोई लक्ष्य पूरा होगा। आप किसी लंबी दूरी के यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। व्यापार में यदि कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है तो उनमें तेजी आएगी। आपको यदि आज किसी व्यक्ति से काम निकलवाना है तो उससे विनम्रता से पेश आए, तभी आपका वह काम पूरा होता दिख रहा है। भाग्यशाली दिशा आपकी पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या आपकी 8 है और भाग्यशाली रंग आपका पीला है। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों में आने से बचना होगा। यदि लंबे समय से भागदौड़ चल रहा था तो आज आप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। परस्पर सहयोग की भावना आज आपके अंदर बनी दे रहेगी। आपकी वाणी आपको कुछ नए लोगों से जुड़ने में कामयाब रहेगी।
आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य को आज गति मिलेगी और आध्यात्म कार्यों में आप पूरा सहयोग देंगे। आपकी भाग्यशाली दिशा दक्षिण रहेगी। भाग्यशाली संख्या आपकी 4 है और भाग्यशाली रंग आपका भूरा है। दोस्तों है तो रही दैनिक राशिफल। अगर आपको इसी तरह रोज राशिफल जानना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपकी राशि कौन सी है कमेंट में जरूर बताना, जिससे हम उस पर पर्सनल वीडियो बना सकें। जय जय श्री सीताराम।